नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान जनता दरबार में 150 लोगों की समस्याएं समाधान करने का भरोसा दिया। वहीं इस मौके पर अपने परिजनों के साथ आए बच्चों को सीएम योगी ने खूब दुलारा, साथ ही उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और चॉकलेट के साथ खूब पढ़ने आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। इस दौरान एक महिला ने अपने परिजन के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई तो सीएम योगी ने उसे आश्वस्त किया कि आप बिना चिंता उपचार कराइए, पैसा हम देंगे आपको। बता दें कि सोमवार को जनता दर्शन में अपनी समस्या को लेकर पहुंचे फरियादियों में ज्यादा संख्या गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद की गुहार वालों की थी। वहीं एक महिला ने सीएम योगी से लखनऊ के एक अस्पताल में अपने परिजन के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि जिस अस्पताल में उसके मरीज का इलाज हो रहा है वह अस्पताल सहायता प्राप्त करने को अहर्ता नहीं रखता। इसके बाद सीएम ने तुरंत अधिकारियों को निर्देशित किया कि मरीज को SGGPGI या KGMU में भर्ती कराया जाए। साथ ही सीएम ने महिला से आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा तो महिला ने बताया कि नहीं है। इस पर सीएम योगी ने उसे आश्वस्त किया कि आप बिना चिंता उपचार कराइए, पैसा हम देंगे। इसके अलावा सीएम योगी ने मुरादाबाद से आए एक व्यक्ति को आश्वस्त किया कि आपके घर पहुंचने के साथ ही समस्या के निदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के उपचार में आर्थिक सहायता के प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द शासन में भेजा जाए और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों का इलाज बेहतरीन अस्पतालों में कराया जाए। इसके अलावा इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे सभी लोगों को सीएम योगी ने आश्वस्त किया कि एस्टिमेट की प्रक्रिया पूर्ण होते ही मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त सहायता धनराशि जारी कर दी जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कहाँ से आए आप? कहीं पर मेहनत कहाँ से आए आप? है कौन जिला है? हाजीपुर। हाजीपुर कला ऐसा क्यों नहीं आया? PGI में है, PGI में थोड़ी दिन पर यहाँ से बना के भेजो सकता हूँ। चिंता मत करो, यहाँ से कहाँ का मामला है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस मामले में? बताए कहाँ से आए हैं, क्या हो गया है? आपके पास आयुष्मान का कार्ड मिल सकता है, ठीक है? आपको फोन DM साथ के यहाँ से आएगा। गोरखनाथ मंदिर के परिसर में बने नौ देवी देवताओं की नवीन मंदिरों में विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में धार्मिक अनुष्ठानों के द्वितीय चरण का शुभारंभ सोमवार सुबह मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में हुआ। उन्होंने मानसरोवर मंदिर से 5 कन्याओं को जल भरा कलश सौंपकर कलश यात्रा का शुभारंभ किया। यह कलश यात्रा 21 मई तक गोरखनाथ मंदिर में होने वाली श्रीमद् भागवत पुराण कथा ज्ञान
यज्ञ एवं श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए निकाली गई। इस अवसर पर रथ पर विराजित सभी 9 नवीन देव विग्रहों की रथ यात्रा भी निकाली गई। यात्रा के गोरखनाथ मंदिर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने यज्ञशाला में कलश स्थापना की और पंचांग पूजन किया। शोभा यात्रा में सबसे आगे शंख बजाते हुए वेदपाठी विद्यार्थी देव विग्रहों की अगवानी करते हुए चल रहे थे। बैंड बाजों की धुन के अनुगुंज के बीच यात्रा में सजाए गए रथों पर विराजित वह देव विग्रह थे जिनकी प्राण प्रतिष्ठा आगामी 21 मई को गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के हाथों होनी है। इसके बाद साधु संतों की टोली संग यजमान गण साधु संतों के मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में केसरिया व पीत वस्त्रधारी महिलाएं व कन्याएं जब सिर पर आस्था का कलश लेकर आगे बढ़ रही थीं, तो राहगीरों के मस्तक श्रद्धा से झुक जा रहे थे। कलशधारी श्रद्धालुओं के पीछे वेद पाठी छात्र जय श्री राम का उद्घोष करते तो सभी जन जय घोष में सुर मिलाते रहते। इस भव्य यात्रा में रंग से लेकर तरंग तक सब कुछ भक्ति भाव में सराबोर था। पीले कुर्ते धोती व केसरिया पगड़ी पहने वेदपाठी विद्यार्थियों का शंखनाद व जय श्री राम का उद्घोष नैनाभिराम था और कर्णप्रिय भी। कलश व रथ यात्रा में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, मिथिलेश नाथ, मंदिर के मुख्य पुरोहित रामानुज त्रिपाठी, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास, चचाई राम मठ के महंत पंचानन पुरी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह, विधायक कपिल वस्तु, श्यामधानी राही, विधायक मेहंदावल अनिल तिवारी, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल, अरुणेश शाही, रणजीत सिंह, कथा के यजमान विष्णु प्रसाद, अजीत सरिया, ओम प्रकाश जालान, अतुल सर्राफ, चंद्र प्रकाश अग्रवाल, तन्मय मोदी, राजेश मोहन सरकार, शंभु शाह, श्रवण जालान, प्रदीप जोशी, रमाकांत निषाद, पार्षद पवन त्रिपाठी, धर्मदेव चौहान, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर त्रोहित मिश्र, नित्यानंद त्रिपाठी, पुरुषोत्तम चौबे, ब्रिजेश मणि मिश्र, द्वारिका तिवारी, वीरेंद्र सिंह, दुर्गेश बजाज, अमित सिंह, मोनू, विनय गौतम आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए योगी सोमनाथ ने कहा, आज गोरखनाथ मंदिर से संबंधित मानसरोवर मंदिर में पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा रुद्र अभिषेक किया गया और उसी क्रम में मानसरोवर मंदिर से गोरखनाथ मंदिर तक कलश यात्रा की जा रही है और आज गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित दिव्यनाथ सभागार में श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ होगा। कथा हेतु डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी वृंदावन धाम से पधारे हैं और आगामी 21 मई को गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित नवनिर्मित 9 मंदिरों में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 9 मंदिरों में हनुमान जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर और छठी माता षष्ठी देवी, संतोषी देवी और नवग्रह और भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और रोज आज से लेकर के प्रतिदिन श्री श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ का गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित यज्ञशाला में आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मानसरोवर मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। उन्होंने भगवान शिव को प्रिय विल्व पत्र, दूर्वा समेत अनेक सामग्रियों का अर्पण करते हुए वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण किया। रुद्राभिषेक के बाद उन्होंने भगवान शिव से प्रदेश के सभी नागरिकों की सुख समृद्धि की कामना की। Thank you.
में स्थित हजरत सैयद सालार मसौदी गाजी रहमतुल्लाह अलैह बाले मियां के मजार पर हिंदू व मुस्लिम ने मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि बाले मियां का मुख्य मेला 14 मई से शुरू हो गया है। यह मेला हिंदू व मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जिसमें हिंदू व मुसलमान बाले मियां के दरगाह पर आकर चादर चढ़ाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि यहां पर जो भी बाबा को चादर खुरमा चढ़ाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। सोमवार की दरगाह पर पहुंची एक हिंदू महिला राजमती ने कहा, मेरे पुत्र को आंख से दिख नहीं रहा है, बाबा का बहुत नाम सुना था इसलिए दर्शन करने चली आई हूं और उनसे मन्नत मांगी हूं, बाबा मेरे पुत्र की आंख को ठीक कर दें। वही कप्तानगंज से दर्शन करने आए मौलाना अखबार ने कहा कि हम यहाँ पर कई वर्षों से आ रहे हैं, यहाँ पर बाबा को चादर चढ़ाने व दर्शन करने मात्र से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। पिछले दो वर्षों से मेले में नहीं आ पाए थे, लेकिन इस वर्ष आए हैं। यहाँ पर मेला भी लगा है जो कि एक महीने चलता है और यह मेला हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। इस मेले में सभी तरह की वस्तुएं मिलती हैं, इसलिए बच्चे भी मेले में आने की जिद करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बाले मियां दरगाह के केयरटेकर रियाजुद्दीन ने कहा, मेला शुरू होता है जैसे मार्च में लगन, वो मार्च में होली पड़ता है, होली के पहले आठवार को बाबा का लगन पड़ता है, जिसमें मेले का दिन रखा जाता है, मुख्य मेले का दिन रखा जाता है, जो मेले का दिन है 14 मई। 14 मई से लेकर 14 जून तक चलेगा ये मेला, मगर भीड़ भाड़ वाले मेले में जो 14 मई को मेला पड़ता है उसमें लोग काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता करके आते हैं, बगैर भेदभाव के, हाँ सारे धर्म के लोग यहाँ आते हैं, अपनी अपनी मुरादें लेके आते हैं, अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं कि बाबा हम चांदी कैंकिया चढ़ाएंगे हमारी आँख सही हो जाएगी, बाबा हम पलंग पीढ़ी चढ़ाएंगे हमारा कोख खुल जाएगा, बाबा हमारा कंध खुल जाएगा तो हम मुर्गा चढ़ाएंगे। इस तरीके से सबकी मन्नतें पूरी हुई हैं और पूरा होता रहा है, लाखों लाखों संख्या में, हजारों की संख्या में कल देखिए पलंगपुरी आ रहा था गाजा बाजा के साथ, नाचते गाते लोग आ रहे हैं, पलंगपुरी चढ़ा रहे हैं। पहला पलंगपुरी जब चल जाता है तो उसके पीछे पीछे लोग आते हैं लेके पलंगपुरी, जैसे कोई तिवारीपुर से आता है, कोई मेडिकल से आता है, कोई झुंगिया से आता है, कोई बसंतपुर से आता है, कोई मियाँ बाजार से आता है, कोई राजघाट से आता है, ऐसे लोग मिला के आते हैं। जब पलंगपुरी चल जाती है बेहूती तो उनके पीछे पीछे सारी पलंगपुरियाँ आती हैं गाजे बाजे के साथ, काफी भीड़ भाड़ होती है मेला एक, लगता है एकदम भैया भीड़ भाड़ इसलिए लगता है कि बाबा के यहाँ लोग आते हैं, मन्नतें मानते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं, चार लोग और ले आके आते हैं चलो बाबा के यहाँ, अरे यार बाबा के यहाँ चलो तो पहले मांगो तो उनसे, जब मांगोगे तभी ना देंगे। इस तरीके से जब उनका ठीक हुआ है तो चार छह लोग और लेके आए हो इस तरीके से। जी हमारा नाम मोहम्मद, हमारा नाम रियाजुद्दीन है, हमारे भाई का नाम खालिक है। जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक राजेंद्र कुमार ठाकुर ने जिला अस्पताल में खराब एक्सरे मशीन व सिटी स्कैन मशीन पर कहा कि गर्मी की वजह से एसी मशीन फेल हो गई थी, जिसके कारण सिटी मशीन खराब हो गया था, लेकिन अब ठीक हो गया है। उन्होंने एक्सरे मशीन पर कहा कि मेडिको लीगल एक्सरे बस नहीं हो पा रहा है, लेकिन जनरल डिजिटल एक्सरे हो रहा है। इसके अलावा एक मशीन बस खराब है जिसको जल्द ही ठीक करवा दिया जाएगा और अल्ट्रासाउंड जितना हो पाता है उसका किया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक राजेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा, मेरे पत्रकार बंधु, शनिवार से तक सीटी हुई है, एक्सरे भी हुआ है, एक दिन सिर्फ बीच में एक सीटी खराब हुई है मंडे को, और वो भी इसलिए खराब हुई है, मैं पहली बात सीटी का कर रहा हूँ इसलिए सीटी के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ। सीटी सिर्फ एक दिन रखा गया जिस दिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, हमारी एसी मशीन फेल कर गई थी, इसके लिए हमने उनको थोड़ा देर के लिए स्थगित किया और उसी दिन शाम को मतलब ये मशीन बन गई सीटी की। तो सीटी मशीन ऑर्डर में आ गई है, आज आप जाके देख सकते हैं कि वो मंगलवार को भी चली है, आप देख सकते हैं हमारे वहाँ पे जाके करीब 10 के आसपास सीटी भी हुआ। जहाँ आप पूछ रहे हैं एक्सरे मशीन की बात, अब मैं एक्सरे पे लाता हूँ, तो हमारे यहाँ जो मेडिकल लेवल एक्सरे होता है जिसपे, वो मैनुअल पे होता है, उस मशीन में
एक होता है आप बोलते हैं टाइमर, टाइमर सेट करके हम एक्सपोजर देते हैं, तो गर्मी के चलते वो टाइमर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था जिसके चलते मेडिकल लीगल नहीं हो पा रही थी। बाकी हमारे यहाँ जनरल के लिए हमारे यहाँ से डिजिटल एक्सरेज वगैरह हो रहा था, वो मैंने किया है। तीन मशीन में से एक मशीन हमारी जो अब कंडम दिखा रहा है, इंजीनियर को मैंने उसी दिन बुलाया था और वो हमें उम्मीद है कि आज या कल में बन जाएगी। सर अल्ट्रासाउंड को भी लेकर देखा तो कई लोगों से जो है हुआ कि हाँ सर अल्ट्रासाउंड में मेरे यहाँ चूंकि 50 का नॉर्म लेके 40 का नॉर्म है लेकिन 50-50 लेके चलता हूँ मैं, और डॉक्टर साहब लोग जो है करीब करीब 60 डेली करते हैं, उसमें एक का सीटी में ड्यूटी रहती है, एक की उसमें रहती है और आउट ऑफ वेव जाके भी उन लोग करते हैं। अब इतने सारे मरीज चूँकि बाहर से भी संदर्भित रहते हैं तो जितना हम लोग से हो पाता अधिक से अधिक हम करने की कोशिश करते हैं, तो एक उसकी भी लिमिट होती है और जो आ गया मैं उनका कर देता हूँ।